नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, ये एसएससी एमटीएस की आज पूरे दिन के एनालिसिस देखेंगे आज सुबह, इसीलिए मैंने पोस्ट नहीं किया था। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे 21 सितंबर को, और जो आ चुके हैं वो वाले क्वेश्चन भी देखेंगे, प्लस जो आगे आ सकते हैं वो भी देखेंगे। देखिए, एसएससी सीजीएल का मैं फिर वही बोल रहा हूँ, आप जो सीजीएल वाला जितने भी मैंने वीडियो बनाए थे उस टाइम के, सभी क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं जो मैंने देखे अभी अभी। देखिए, आप काफी सारे क्वेश्चन जीए वाले वही आ रहे हैं, जीए वाले, रीजनिंग वाले, मैथ वाले, वो आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई। और दूसरी बात ये कि एसएससी एमटीएस के लिए हमारा एक पीडीएफ कोर्स है, एसएससी सीजीएल की, उसमें आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस एमटीएस की और प्लस स्टेनोग्राफर की, और प्लस आपको ये कोर्स ईमेल अपडेट आपको मिलती रहेगी जो यूपीएसआई आने वाला है तब तक। तो जितने भी एसआई और एसएससी वाले एग्जाम है सबका एक साथ आपको मिल जाएगा, उसकी लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टार्ट देख लेते हैं इसमें कुछ। अगर HCl डिजॉल्व नहीं हुआ स्टमक में तो क्या होगा, ये ऑप्शन थे कि क्या इफेक्ट होगा। अगर HCl सिक्रेट नहीं हुआ स्टमक में तो पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होता है और इसकी वजह से प्रोटीन का डाइजेशन अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, पेंडुलम को अगर आप वैक्यूम में ये लगाएंगे तो क्या स्पीड में क्या होगा। अगर देखिए, ये वैक्यूम होगा, वैसे तो वैक्यूम क्रिएट नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर क्रिएट हो गया, अगर कोई फ्रिक्शनल लॉसेज नहीं हुए और प्लस और कोई मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस नहीं हुआ, तो ये स्विंग करता रहेगा। फिर ये कुछ आए थे एंटोनियम, और आपके ये सिनोनियम आए थे, एम्पलीफाई का सिनोनियम आया था, प्रोविडेंट और सबटल और कैजुअल और इंडर का एंटोनियम पूछा था, फिर ये स्पेल करेक्ट पूछे थे चैलेंज की और प्लस डायग्नोज की। देखिए, एक पीएम मुद्रा योजना का डेली आ रहा है, कल भी आया था, ये आज भी आया, इसीलिए इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब मैंने यहाँ लिख दी है। पीएम मुद्रा योजना स्टार्ट की गई थी 8 अप्रैल 2015 को, और इसका पर्पस था कि जो नॉन कॉर्पोरेट है, ये स्मॉल बिजनेस सेक्टर है, उनको सहयोग करना, किसी तरह उनको लोन प्रोवाइड करना। इसमें तीन टाइप की इसमें स्कीम है, एक तो शिशु होती है जो 50,000 तक लोन मिलता है, एक होती किशोर, ये 50,000 से 5 लाख तक मिलता है, और एक होती तरुण, ये 5 लाख से 10 लाख तक मिलता है। तो आज पूछा ये गया था कि पीएम मुद्रा में इन तीनों के अलावा एक शायद टर्म दिया था, और ये पूछा था कि कौन सा इसमें नहीं है, तो शिशु और किशोर और तरुण है इसमें, बाकी नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी के विनर कौन थे 2017 के, ये देखिए, ये पाकिस्तान ने हराया था इंडिया को, और ये इंग्लैंड में हुई थी। ये अभी हम मैंने एक वीडियो बनाया है आपको, पूरे साल का करंट अफेयर एक ही वीडियो में है, वो ये करीबन 2 घंटे का वीडियो है, पूरा वन लाइनर आपको जीके प्लस करंट अफेयर मिल जाएगा, आप लोग उसको देख लो। जो लोग भी अभी एग्जाम देने वाले हैं, जिनका भी आगे वाली शिफ्ट में एग्जाम है, 2 घंटे का पूरा वीडियो है, पूरी उसमें वन लाइनर करंट अफेयर मैंने कवर कर दिए उसमें। एक क्वेश्चन आया था कि प्लानिटरी मोशन को किसने डिस्कवर किया था, केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, ठीक है। इस समय कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं, यानी कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं वो कितनी है। देखिए, स्टार्टिंग में तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब तो ड्यूटी थी ही नहीं, उसके बाद ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे लाई गई थी ड्यूटी, 42nd अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, तब ये कितनी थी, तब 10 थी, लेकिन फिर ये 86 अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में इनको बढ़ा के 10 में एक और जोड़ दी गई, और ये ड्यूटी एक और क्या जोड़ी गई कि जितने भी 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स का या फिर गार्जियन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको प्राइमरी एजुकेशन मिले। एक तो फंडामेंटल राइट है वो कितने, वो बच्चों का है कि 6 से 14 साल के बच्चों का फंडामेंटल राइट है कि उनको प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये है फंडामेंटल राइट 6 से 14 साल में, और 0 से 6 साल में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में वो डिफाइंड है, और फंडामेंटल ड्यूटी भी है, ये पेरेंट्स की ड्यूटी है ये, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है ये सब चीजें। पंचशील किससे रिलेटेड है, ये इंडिया और इंडिया और चाइना के रिलेशन से है, ये 5 सिद्धांत है इसमें टोटल। पूर्ण स्वराज किसने दिया था सबसे पहले, ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, रिजोल्यूशन लिया था ये, और ये लाहौर में ये जो सेशन हुआ था उसमें लिया गया था कि अगर हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं मिलेगा तो हम पूर्ण स्वराज की तरफ जाएंगे, फिर रावी नदी के किनारे झंडा फहरा के फाइनली 26 जनवरी 1930 को रिपब्लिक डे भी मनाया गया था, और उसी के उपलक्ष्य में फिर बाद में जब इंडिया आजाद भी हो गया तो 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे चूज किया गया था। फिर उसमें देखिए, इसमें और इसलिए एक्स्ट्रा मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, आप इसको देख लीजिएगा। ये इस समय एक ये भी क्वेश्चन आया था कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, टोटल इस समय 6 राइट्स हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 राइट थे, एक राइट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी भी था जिसको कि बाद में खत्म कर दिया गया था, ये आपका हुआ था 44th जो अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट 1978, उससे ये खत्म कर दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी। इस समय 6 फंडामेंटल राइट है, पहला राइट टू इक्वालिटी 14 से लेकर 18 आर्टिकल,
फिर राइट टू फ्रीडम है 19 से लेके 22 आर्टिकल, और फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25 से 28, कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन राइट है 29 से 30, और 31 वाला तो खत्म कर दिया गया है अब, और लास्ट वाला है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, यानी कि आर्टिकल 32 में ये भी राइट है आपके पास कि आपका अगर ऊपर के पांचों में से कोई फंडामेंटल राइट किसी ने वायोलेट किया है तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये आपका फंडामेंटल राइट है। और इवन आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो आर्टिकल 32 के थ्रू जाना पड़ेगा, और इवन आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जाने के लिए आपको आर्टिकल है 226। और इसमें एक चीज और है कि सुप्रीम कोर्ट का जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट को तो ये इन्फोर्स कराना ही पड़ेगा, हाई कोर्ट के पास ऐसा उनका खुद का डिस्क्रिप्शन है ठीक है, और हाई कोर्ट के पास आप अगर आपका कोई लीगल राइट भी वायोलेट हुआ तो भी आप जा सकते हैं, ये सब चीज याद रखिएगा। इंग्लिश के देखिए ये प्रोविडेंट का एंटोनिम आया था, सबटल का सिनोनिम और एंडर का एंटोनिम, ये जो भी राहुल जी ने हमको क्वेश्चन भेजे थे और प्लस और भी ये नम्रता जी ने भेजे थे और नंदिता ने, कुछ लोगों ने क्वेश्चन भेजे थे, राहुल जी का नहीं भेजे थे और उन्होंने मुझे बोला भी था नाम लेने को ठीक है। ये अब ये क्वेश्चन आए थे देखिए, दुनिया का बिग माउंट, ये पाकिस्तान की बाउंड्री किस स्टेट से नहीं छूती है, ये अभी हम लोग देख लेते हैं, हर स्टेट का जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उसमें कौन कौन सा स्टेट की बाउंड्री टच करती है कौन कौन सी नहीं। ये देखिए एक दुनिया का बिग माउंटेन, अगर पीक वाइज देखेंगे तो वो है माउंट एवरेस्ट की, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची पीक है, 8,848 किलोमीटर की है ये, और दुनिया की सबसे लंबी जो माउंटेन रेंज है वो है एंडीज की ठीक है, ये आप याद रखिएगा। टोटल प्लानिट इस समय कितने हैं, 8 है क्योंकि प्लूटो इस समय प्लानिट नहीं है। मुगलों के फादर या फिर किसके वंशज थे ये, सेंट्रल एशिया में जो टर्को मंगोल चटा गई उस टाइम की डायनेस्टी थी वहां से आए थे ये, फिर धीरे धीरे इंडिया में असिमिलेट होते गए, फिर पर्शियन और राजपूत और सबका एक तरह से ये मिक्सचर बन गया था। फिर ये देखिए ये इंडिया के स्टेट हैं, जो इंडिया के जो टोटल कंट्रीज है जो नेबर कंट्रीज हैं वो इंडिया में किस किस स्टेट से बाउंड्री शेयर करते हैं वो पूरी लिस्ट दी हुई है। इंडिया जो पाकिस्तान है वो 4 इंडिया के स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, गुजरात राजस्थान पंजाब और जम्मू कश्मीर। चाइना 5 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल 5 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल और सिक्किम। और भूटान आपका करता है 4 स्टेट से, सिक्किम वेस्ट बंगाल असम और अरुणाचल प्रदेश। और बांग्लादेश आपका करता है बाउंड्री शेयर वेस्ट बंगाल असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम से। और ये म्यांमार करता है अरुणा मामी से, यानी कि अरुणाचल प्रदेश अरुणा और नागालैंड फिर मणिपुर और मिजोरम, 4 स्टेट से मिजोरम करता है। तो ये आप याद रख लीजिएगा, किसी भी तरह का अगर आज ये पूछा गया पाकिस्तान वाला तो उसमें शायद एक महाराष्ट्र वाला ऑप्शन था, आप बताइएगा जरा कमेंट करके कौन सा पूछा था उसमें, बाकी तीन कौन से दिए थे, बाकी तीन तो इन्हीं में से कोई दिया होगा, गुजरात राजस्थान पंजाब और जम्मू कश्मीर, ऐसे ही आपसे आगे भी पूछ लेंगे तो इनको रट लीजिएगा एक बार। फिर ये और क्वेश्चन आया था जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये गॉड्स ऑफ अंटार्कटिका बुक के ऑथर कौन है, ये है ऑथर यशवर्धन शुक्ला। फिर ये क्वेश्चन आया था फुलकारी काठा और चिकनकारी ये किस चीज से रिलेटेड है, ये फेमस कढ़ाई की स्टाइल होती है, फेमस इंडियन एम्ब्रॉयडरी स्टाइल होती है ये चिकनकारी जरदोरी और कांठा ये सब। एक और क्वेश्चन आया था मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन है जो, उसमें कौन सा मेंबर नहीं है, मतलब बाकी तीन थे और एक दिया था जो नहीं है। देखिए मेकोंग के मेंबर को याद करने की ट्रिक है लिम्का टीवी की, लिम्का पियो और टीवी देखो, लिम्का टीवी से क्या हो जाएगा, एल से हो जाएगा लाओस, आई से इंडिया और आपका एम से हो जाएगा म्यांमार, सी से कंबोडिया, ए से आपका सॉरी सी ए से कंबोडिया और टी से हो गया थाईलैंड और वी से हो गया वियतनाम। तो लिम्का टीवी है मेकोंग गंगा के जितने भी मेंबर्स हैं उनको याद रखने की ट्रिक। अब इनमें से जो भी नहीं था वो आप बता दीजिएगा कौन सा कंट्री नहीं था इसमें। उसके बाद यूनेस्को का पीस प्राइज 2017 का किसको मिला, ये मिला था इटली के मेयर ग्यूसी निकोलिनी को। फिर कुछ और क्वेश्चन है कल के, ये बचे थे 20 वाले शिफ्ट के, मीनोपॉज किसको बोलते हैं कि जब ये महिलाओं में जो पीरियड वाला है साइकिल वो खत्म हो जाती है, करीबन 45 से 50 साल में ये जाती है। ये वाइड एरिया नेटवर्क WAN का फुल फॉर्म पूछा था वाइड एरिया नेटवर्क होगा। हीमोग्लोबिन ये क्या करता है, ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड होता है और ये ट्रांसपोर्टेशन करता है अदर गैसेस का। ये कुछ और क्वेश्चन देखिए, पीएम जीवन ज्योति बीमा में कितने रुपीज का बीमा होता है, ये 330 रुपए इसका प्रीमियम है, 18 से 50 साल के लोगों के लिए था ये यहाँ पे गलत, ये मतलब डॉलर में ये लिखा हुआ है। इक्वेटर कितने डिग्री पे होता है, 0 डिग्री लेटिट्यूड पे होता है। साउंड वेव्स किस टाइप की वेव्स होती है ये पूछा था,
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, और ये और एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ, आगे आ सकती है कि साउंड वेव जो ह्यूमन परसेप्ट कर सकता है वो सिर्फ 20 हर्ट से लेके 20,000 हर्ट तक होती है। ये स्पीड जो होती है साउंड वेव्स की वो सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में और सबसे कम होती है गैसेस में, ये आप याद रखिएगा। सीएम की नियुक्ति कौन करता है? सीएम की नियुक्ति करता है गवर्नर। G4 में कौन कौन सा मेंबर नहीं है ये पूछा था, तो देखिए G4 के मेंबर आप देख लीजिए, ब्राजील, जर्मनी और इंडिया और जापान, चार मेंबर हैं। जो ये G4 ग्रुप बनाया गया था किस लिए कि ये चारों आपस में एक दूसरे की बिड को सपोर्ट करते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इनको सीट मिल जाए। अब इनमें से जो नहीं था वो वाला ऑप्शन होगा, तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके कौन सा नहीं था। तो ये हो गया 20 का पूरा, 21 का जो सितंबर का, जीएस जीके प्लस। और भी देखिए मेरे पास एक दो क्वेश्चन है ये मैथ्स के, आप देख लीजिए इसमें। जैसे ये मैथ्स का क्या था, एचसीएम निकालना था 3/4 और 12/13 का, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया था, प्रॉफिट निकालना था आपको कुछ, और ये एंटोनियम और सिनोनियम दिए हुए हैं, इनसेन पैसन और एम्पलीफाई का सिनोनियम, एंटोनियम आया था सबटल हिंडर, और इडियम्स आए थे दो, तो ये सब कुछ इसी में, इसीलिए मैंने बता दिया। देखिए ये टेलीग्राम ग्रुप का आप ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का है, जो क्वेश्चन मेरे पास आते हैं मैं तुरंत दे देता हूँ। पीडीएफ के लिए आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और आपका ये कोर्स टोटल रहेगा आपका जब तक यूपी का सब इंस्पेक्टर वाला एग्जाम नहीं हो जाता, और उसमें आपको सीजीएल की पूरी पीडीएफ मिल जाएंगी जो 5 से लेकर 23 तक की है, और प्लस आपको एमटीएस की भी मिलती रहेंगी 31 तक जितने भी वीडियो मैं बनाऊंगा, और प्लस आपको स्टेनोग्राफर की और प्लस यूपीएसआई की। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।